में यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पर भारत को रूस का साथ मिला है। लोबरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। Certainly in the UN Security Council, such countries should be represented. India, more than 1.5 billion people live in India. Over 7% GDP growth. ये यूएनएससी की सीट के हवाले से भी होता है कि जो इंडिया के करीबी साथी हैं वो ना सिर्फ करीबी बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इनको ये किया जाए दिया जाए। He was only talking about things जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो अगर इंडिया को मिल भी जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीन के लिए या कुर्दिस्तान के लिए या उइगर्स के लिए लेंगे। उइगर्स के रेजोल्यूशन पे इंडिया ने एब्सटेन किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया विल यूज इट फॉर कश्मीर, इंडिया विल यूज इट फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड और दैट इज जिस तरह से फ्रांस, बर्तानिया, अमरीका इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो एका दुका अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी अब वो भी नहीं मानी जानी। भारत को अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की सदारत मिलना ये पाकिस्तान के लिए किस कदर टेंशन की बात है। आप समझते वो भारत जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए FATF को इस्तेमाल किया, तो ऐसी सारी सिचुएशन में भारत को सलामती काउंसिल की सदारत मिलना कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है पाकिस्तान के लिए। रशिया और इंडिया के तालुकात हैं, रिलेशंस हैं, उसमें तो इस तरह की ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने ये कहा। लेकिन तो उनका ये कहना है कि ये अटेम्प्ट के इंडिया को जो है वो टर्न अवे किया जाए या पीछे रखा जाए या कोई ऐसी सिचुएशन, ये अब कामयाब जो है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी पर असर रसूख देखकर आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चौकस होना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है, इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारी हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 1890s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे, आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल ऐसा ऐसा वक्त के साथ जिस तरह वो उनकी पावर भर रही है एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर, ये देखें ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो इट वाज वेरी क्लियर कि ही वाज ओनली टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। तो अगर इंडिया को मिल भी जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो, इसका मतलब ये नहीं कि वो फलस्तीन के लिए या कुर्दिस्तान के लिए या उइगर्स के लिए लेंगे। उइगर्स के रेजोल्यूशन पे इंडिया ने एब्सटेन किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया विल यूज इट फॉर कश्मीर, इंडिया विल यूज इट फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड और दैट इज जिस तरह से फ्रांस, बर्तानिया, अमरीका इस्तेमाल करते हैं। और अगर केनिया को मिल जाता है, ब्राज़ील को मिल जाता है या नाइजीरिया को मिल जाता है जो अफ्रीका का एज ए रिच, साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली द कंट्री विच इज मोस्ट लाइकली टू बी बिकॉज वो सबसे ज्यादा शायद कॉन्ट्रीब्यूट करता है अफ्रीका से, $7 million जस्ट 7 million। सो तो मेरे ख्याल से दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर द पब्लिक गुड, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ये मुल्क डिमांड कर रहे हैं कि विल दे बी एबल टू प्रोवाइड द लीडरशिप, मतलब ये सवाल का ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है भाई, आपको वॉइस दे दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। क्या केनिया, साउथ अफ्रीका वगैरह जाके जंग करते रशिया के ऊपर, यूक्रेन पे अटैक किया इसलिए? नहीं ना, ये क्या कर सकते थे? तो हाउ वुड इट मेक इट ए डिफरेंट? अगर सिक्योरिटी काउंसिल में ब्राज़ील और केनिया और जापान और जर्मनी होते तो क्या फर्क पड़ जाता?
लेकिन जैसे मैं देख रहा था कि जापान तो जो है वो काफी बड़ा डिफेंस बजट लेके आ रहा है, इंडिया भी है जो वो कह रहा है कि हम इसको बजट को बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं सर, ये जो एक्सपेंशन होगी ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्लोबल सिक्योरिटी होगी, दैट शुड बी ऑन द बेसिस के ये बड़ी देर डिप्राइव किए रखा गया है, इनको राइट मिलना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने इंडिया का बात किया कि इंडिया हर जगह यहाँ तो न्यूट्रल रहता है, खामोश रहता है, अब्सटेन करता है और अपनी खुल खिला के पोजीशन जो है वो सामने नहीं लेके आता, तो इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि दे वोंट फाइंड अ स्पेस फॉर एग्जाम्पल? एंड देन आई थिंक द अमेरिकन्स, द ब्रिटिश, द रशियन, आज भी इनका जो द चाइनीज, आज भी इनका वेपन यहाँ तो पूरी दुनिया में जाता है। सो ये जो ममालिक हैं, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की ग्लोबल सिक्योरिटी में व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, तो ये सेंडिंग फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो यूएन पीस कीपिंग में बहुत अपने फौजी भेजता है, बट पाकिस्तान के तो मिसाइल ही और हैं। तो आप क्या समझते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी में अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे तो दैट इज द ओनली वे दे कैन बी गिवन, या के इंडिया को बीइंग ए वेस्टर्न एलाय अमेरिकन्स और बाकी ये फेवर दे सकते हैं? ये अब इसके हकदार हैं, अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था। तो पुतिन साहब जो हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बड़ा सराहा है, बहुत तारीफें की हैं और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है भारतीय हुकूमत वो जो इस वक्त काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम है। इसकी वजह ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि उसने मुल्क को जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, इंडिया को स्ट्रॉन्गर बनाने में प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का हाथ है और पीएम नरेंद्र मोदी के बिना पर जो है वो इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग बना है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिएगा कि इससे पहले एक बात बड़ी ख़ास है, देखें इंडिया का स्टैंस जो है ना वो रशिया के वाले से, इतने पुराने दोस्त डेकेड से साथी होने के बावजूद G20 में आपने देखा और इससे पहले वाली G20 में, यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जो मीटिंग्स होती रही, उसमें भी आपने देखा कई जगहों पर जो है वो जहां पर रशिया को बहुत ज़्यादा आगे जाके सपोर्ट अगर कोई कर रहा था तो इंडिया ने अपना एक वो लेवरेज रखी, यानी उसने जब ये देखा कि कहीं पर अगर हमें जंग को सपोर्ट करना पड़ा है तो हम नहीं करेंगे, इंडिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट भी बहुत किया लेकिन अपनी वो चीज़ कायम रखी कि जो रूल्स हैं, जो असूल हैं,